सामने आया है सर, ये क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये पुलिस की नजर में आया? देखिए, एक लड़की जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, और उसने नौशहरा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट की कि वो किसी लड़के के साथ पहले उसके कोई दोस्ताना तल्लुकात थे और उस लड़के ने आगे उसको फोर्स किया यही सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, और उसने अपने साथ इसको एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स लगा के और दूसरे लड़कों को भी उसके साथ गलत करने के लिए तैयार किया, और इस तरीके से वो लड़की जो है वो उस ट्रैप में जो है वो फंस गई और उसने वहाँ पे कंप्लेंट की है जिसकी हमने कॉग्निजेंस ली है। लड़की ने 11 लोगों का नाम डिफरेंट लोगों का नाम लिया है जो नौशहरा ही पुलिस स्टेशन के जो डिवीजन के लोग हैं, और हमने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए जैसे जैसे उसने एलिगेशन लगाए हैं उस प्रोविजन जो हमने ला के रिमूव किए हैं और FIR दर्ज किया है। अभी तक 3 लोग हमने सस्पेक्ट उठाए हैं, वो पहले उससे शिनाख्त करवाई जाएगी और फिर उसके बाद उसकी अरेस्ट भी लाई जाएगी। सर, जिस तरह से आपने बताया कि नौशहरा पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में वो लोग आते हैं, तो क्या माना जाए ये जो सेक्स रैकेट था वो सिर्फ नौशहरा तक ही डिफाइंड था या इसके तार जो है वो बाकी इलाकों से? लड़की का जो डिटेल स्टेटमेंट है वो आज हम कोर्ट से भी करवा रहे हैं, और उस स्टेटमेंट में वो क्या बोलती है और प्रिलिमिनरी जो उसकी जिससे हमने कॉग्निजेंस ली है एप्लीकेशन उसमें भी क्या है, दोनों चीज़ें पे चलते हुए आगे की तफ्तीश में ही पता चल पाएगा कि वो रजौरी या और भी हो सकता है नौशहरा के बाहर के इलाके हों और हो सकता ना भी हों, वो जब तक उसका हम डिटेल एक स्टेटमेंट कोर्ट से नहीं करवाते हैं तो उसके बाद ही वो बताया जा सकता है। सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, ये जो ये लोग पकड़े गए हैं या जो सस्पेक्टेड हैं, ये क्या इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं या पहली विक्टिम लेडी थी जो उनके चंगुल में फंसी है? देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये लड़की इस ट्रेड में फोर्स किया गया था इसको, जिस तरीके से लगता है क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और पहले किसी एक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर उस तरीके से वो ट्रैप हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की है, ये एक इंडिविजुअल लड़की का केस है जिसमें ये जो इसने अलीज एक्यूज के नाम लिखाया है वो लड़के इन्वॉल्व हैं जिनने रिपीटेडली इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट हुई है इनकी, और जिस पर से हमने कॉग्निजेंस लेते हुए पर्चा लगाया। सर, जो बाकी आपने बताया 3 लोगों को अभी तक सस्पेक्टेड को उठाया गया है, 11 लोगों के नाम है, उनकी धरपकड़ के लिए किस तरह से पुलिस का? बिल्कुल पूरे रेड्स किए जा रहे हैं, और चूंकि FIR जो ही लगती है, FIR भी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और लोगों को भी पता लग जाता है आगे पीछे, और कुछ लोग तो दाएं बाएं गायब भी हुए हैं। खैर, देर सवेर सारे लोग तो अरेस्ट होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ सर्विसेज में भी हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हैं, तो वो भी नौकरी छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, तो वो विद टाइम और बहुत जल्दी वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, और जिस जिस कदर उनके अगेंस्ट ऑफेंस इस्टेब्लिश होंगे वो प्रूव किए जाएंगे।